छठ पूजा को लेकर घाटों की व्यवस्था को लेकर जयनगर SDO वीरेंद्र कुमार, SDPO विपल्प कुमार, थाना अध्यक्ष अनूप कुमार, नगर पंचायत के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, EO डॉक्टर चंद्र कुमार मंडल, वार्ड पार्षद हनुमान मोड़ ने कमलापुर, कबीर कुटी, काली मंदिर, मुकरी टोला एवं बाबा पोखर छठ घाट का निरीक्षण किया। SDO ने बताया कि आस्था का महापर्व छठ पूर्व की भांति इस वर्ष भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। SDO ने बताया कि आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर प्रशासन के द्वारा शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के सभी छठ घाटों का निरीक्षण किया गया। छठ पूजा समिति के सदस्यों से छठ को लेकर घाट के समीप तैयारी को लेकर सभी पहलुओं पर विस्तार पूर्वक जानकारी ली गई। घाट के समीप पानी की गहराई को देखते हुए बैरिकेड लगाने के साथ लाल पट्टे से खतरा दर्शाने की बात कही गई। सभी घाटों पर साफ सफाई की सुविधाओं के अलावे अघर्रे देने वाली महिलाओं के लिए जगह जगह वस्त्र बदलने के लिए तिरपाल वाला कमरा निर्माण करने, घाटों पर CCTV कैमरा लगाने, मेडिकल टीम की व्यवस्था, SDRF टीम द्वारा कमला नदी व बाबा पोखर छठ घाट पर अघरे के समय निगरानी करने की बात कही गई। SDPO ने कहा कि सभी छठ घाटों पर भारी मात्रा में पुलिस बल व दंडाधिकारी तैनात किए जाएंगे। मुख्य पार्षद कैलाश पासवान व EO डॉक्टर चंद्र कुमार मंडल ने संयुक्त रूप से बताया कि छठ पर्व को लेकर नगर विकास एवं आवास विभाग व स्थानीय प्रशासन की ओर से जो भी आदेश दिए जाएंगे उसका पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी छठ घाटों पर नल के द्वारा साफ सफाई, कपड़ा बदलने के लिए रूम का निर्माण, घाटों पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस बल तैनात हेतु वॉच टावर का निर्माण के साथ छठ घाटों तक जाने वाले सभी रास्ते पर पर्याप्त लाइट की व्यवस्था की जाएगी। इसका आपको पता है कि जो छठ पर्व होता है वो हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण पर्व है और इसमें साफ सफाई का बहुत ज़्यादा महत्व है ताकि जो भी व्रती होते हैं वो ढंग से छठ कर सके, पूजा कर सके। नगर पंचायत के द्वारा काफ़ी काम किया जा रहा है, उनको बाकी इंस्ट्रक्शन दिया गया है और एक सप्ताह के अंदर में ही, दो तीन दिन के अंदर में ही सभी जगह साफ सफाई का काम हो जाएगा। इसके बाद प्रशासनिक तैयारी भी पूरी की जा रही है ताकि किसी भी श्रद्धालु को, किसी भी छठ व्रती को किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। प्रशासनिक चौकसी उसमें पूरा बरती जाएगी, प्रशासन पूरा अलर्ट रहेंगे उस दिन और बाकी तैयारी हम सब फिर से बुधवार को निरीक्षण करेंगे, उसके बाद फिर दिशा निर्देश दिया जाएगा। जो भी छठ घाट है उसका आज निरीक्षण किया गया है टीम के साथ जो है, और इसमें सुरक्षा के जितने भी मानक है, जितने आयोजक कमेटी हैं उनको जो है दिया गया है कि CCTV वगैरह लगाएं और साथ ही साथ जो है पुलिस का जितना भी घाट है वहाँ पर प्रतिनियुक्ति की जाएगी, पदाधिकारी जो है विजिलेंट रहेंगे और ताकि मैंने किसी तरह का, और आसूचना संकलन के लिए जो है सिविल में भी गुप्तचर की तैनाती की जाए ताकि किसी तरह का जो है इस पर्व में गतिविधि को जो है अंकुश लगाया जाए और शांतिपूर्ण तरीके से पूजा का जो है संपादन किया जाए। अभी हम आगे दीपावली और छठ शुभ अवसर पर नगरवासियों को हार्दिक शुभकामना और बधाई। आज हम लोग पूर्व में भी हम लोग संयुक्त रूप से सभी छठ घाटों का निरीक्षण कर चुके थे, जो दिशा निर्देश देना था अपने कर्मियों को दे चुके हैं, बराबर अध्यक्ष जी और हम लोग मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। आज अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महोदय के साथ संयुक्त हम लोगों ने सभी घाटों का निरीक्षण किया है और नगर विकास विभाग के माननीय प्रधान सचिव महोदय का और जिला पदाधिकारी महोदय का जो दिशा लाइन था उस पर हम लोग, जो बिंदु था उस पर हम लोग काम करना शुरू कर चुके हैं और जो भी अनुमंडल पदाधिकारी का भी आदेश आया है, जो हर एक छठ घाट पर वाटर टावर, CCTV कैमरा, चेंजिंग रूम, उस पर हम और अध्यक्ष जी संयुक्त रूप से सभी कमेटी से निर्णय लेकर के उस स्थान पर देंगे। लाइट के लिए भी हम लोग सामूहिक रूप से अपने जो कर्मी हैं जो काम कर रहा है दीपावली को ध्यान में रखते हुए, और छठ में जो लगता है सभी रास्ते पर जनरेटर की समुचित व्यवस्था करेंगे। अब हम लोग दिवाराती छठ पर्व और दीपावली अच्छा से अच्छा बने, जयनगर का इतिहास कायम हो, इसके लिए हम लोग तत्पर हैं। जो भी बड़े पदाधिकारी आदेश होगा उसके अनुसार हम लोग काम करते रहेंगे और अच्छा से अच्छा बेहतर सुविधा देने का काम करेंगे। पुनः इसी शुभकामनाओं के साथ सभी पदाधिकारी एवं अध्यक्ष जी को और सभी अपने टीम को हम हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हैं। बोलना चाहेंगे, चलिए आज छठ घाट पर छठ पर्व का सबसे पहले भारत सभी छठ व्रतियों को नगर पंचायत की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आज अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जैन थानाध्यक्ष, नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी के साथ संयुक्त छठ घाट का निरीक्षण किया गया है
नगर विकास विभाग के द्वारा जो भी दिशा निर्देश है और अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा जो भी दिशा निर्देश होगा, जितना अच्छा से अच्छा व्यवस्था नगर पंचायत के द्वारा होगा, हम लोग छठ घाट व्रतियों के लिए करेंगे। सब घाटों का मना किए हैं और नगर पंचायत अच्छा से अच्छा व्यवस्था देने के लिए हम लोग तैयार हैं और पिछले वर्ष भी सारी व्यवस्था की है। यहाँ का कमेटी है, हर एक छठ घाट का कमेटी है, सभी कमेटी से बात करेंगे और जो भी उचित व्यवस्था छठ पर किया जाएगा हम लोग नगर पंचायत से करेंगे। एक बार पुनः छठ पर्व का सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।